टीवी के सीरियल बेगूसराय ने सक्सेसफुली एक साल कंप्लीट कर लिया है। हाल ही में शो के एक्टर्स ने एक साल पूरे होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी, जहां उन्होंने केक कट करके इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया। तो आइए आपको ले चलते हैं इस शो के सेट पर, जहां इस शो का सेलिब्रेशन चल रहा है। थैंक यू सो मच। आप सब यहाँ केक खा के जाइएगा, ठीक है? उसके पहले कोई नहीं जाएगा। बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे ऐसी एडवर्सरीज मैंने बहुत देखी है, लेकिन ये जो बेगूसराय, खास करके बेगूसराय के लिए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बेगूसराय इस तरह का कॉन्सेप्ट था ना, जब ये शुरू हुआ था तो हम सबको ऐसा लगा था कि या तो ये पसंद आएगा या तो बैकफायर हो जाएगा और ये एकदम से बंद करना पड़ेगा। बहुत ही बोल्ड पूरा शो था, कॉन्सेप्ट था इसका, और इस बोल्ड कॉन्सेप्ट ने एक साल पूरा किया और उसी बोल्ड तरीके से, इस बात की बहुत खुशी है। वरना लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सीरियल्स में क्या होता है कि शुरू तो वो बोल्ड कॉन्सेप्ट से होता है, लेकिन बाय द टाइम कुछ महीने गुजरते हैं वो वही सेम पुराना हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी चाकू तलवार और वो गन और बंदूकें चल रही थी, अभी भी लोग मतलब वो हद से जितना बोल्ड हो सकता था वो सारे बोल्ड स्टोरी के साथ हमने एक साल पूरा किया। इसके लिए हम खुद को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटिंग। अगर मैं देखती हूँ बेगूसराय, तो बेगूसराय में बिंदिया का ही ऐसा कैरेक्टर है जिसमें इतने शेड्स थे जो हर दो हफ्ते बाद बदलता रहा। तो मेरे ख्याल से एज बिंदिया मैंने बहुत एंजॉय किया बेगूसराय। हाँ, ये शो ऐसा था कि ये कैरेक्टर बिंदिया का स्पेशली ऐसा था कि जब उन्होंने मुझे ऑफर किया, इट वॉज अ लीड गर्ल, लीड लेडी जिसका एक इमेज है अपना, उसके बारे में सोचते तो शायद मैं बिंदिया को कभी हाँ नहीं बोलती। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैंने ये हाँ नहीं बोला ना इस कैरेक्टर को, तो आगे मुझे ऐसा कोई रोल ऑफर भी नहीं होने वाला। और अगर मैं ऐसा कैरेक्टर, इतना बोल्ड कैरेक्टर, इतना रॉन्ची मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कहा फॉर अ ट्रायल लेट्स सी, देख लेते हैं, तो मैंने कर लिया। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।